हेलो फ्रेंड, आई एम पूनम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए सूट की कटिंग और ड्राफ्टिंग लेकर आए हैं। उसके लिए हमने ये 2 मीटर फैब्रिक ली है और सबसे पहले हमने इसे फोल्ड करके अर्ज में हमने इसे फोल्ड किया है और अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताऊंगी। इस तरह से सबसे पहले हम सूट की लेंथ ले रहे हैं। सूट की लेंथ यहाँ पर हम 41 इंच लेंगे और जो सिल के तैयार 39 इंच का होगा। अब इसके बाद हम आपको मेज़रमेंट बताएंगे शोल्डर का। शोल्डर है हमारे यहाँ पे हमने 7 इंच लिए हैं और आर्म होल्स की लेंथ हम भी हम यहाँ पे 7 इंच ही ले रहे हैं। और जो हमारे सूट की चौड़ाई है वो हम यहाँ पे 11 इंच ले रहे हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का लेंगे। पहले मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच पे ये मैं अब निशान लगा रही हूँ और ये लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से, और इस वाली लाइन को भी अब लाइन ड्रॉ कर दूँगी। और अब मैं आपको नीचे का मेज़रमेंट बताऊँगी। पहले हमने आर्म होल 7 पे लिए हैं। आर्म होल से नीचे की तरफ हमें 6.5 इंच पे निशान लगाना है पेटी के लिए और फिर हिप्स के लिए भी 6.5 इंच पे निशान लगाना है। अब हम बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वो हम 2 इंच पे ले रहे हैं और इसे इस तरह से इसकी गोलाई कर देंगे। ये 2 इंच है हमारा और मैं अब इसकी आप देख सकते हैं 2 ही इंच है। अब मैं इसकी गोलाई कर रही हूँ। मैंने इसकी गोलाई कर दी है। अब मैं आपको फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे आर्म होल्स में और ऊपर से जो हमने लिया है उसका सेंटर लेंगे। जो हमने आर्म होल्स की लेंथ ली है उसका हम सेंटर लेंगे यहाँ पे और इधर से हम इसे अंदर की तरफ 1/2 इंच लेंगे और 1/2 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से हमें सीधा लेना है। सीधा हम इसलिए लेते हैं ताकि गोलाई एकदम परफेक्ट आए और यहाँ से हम गोलाई कर देंगे। ये हमारे बैक आर्म होल्स की है और हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है। अब मैं आपको कमर का मेज़रमेंट बता रही हूँ। कमर हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे क्योंकि हमारी कमर 40 इंच है, उसका 1/4 भाग 10 इंच हुआ और 2 इंच हमने इसमें ऐड किया है। आप इसमें लूजिंग भी ले सकते, लूजिंग के लिए भी है और वैसे एक्स्ट्रा कपड़ा भी लिया है। अब हम जो हमने हिप लिए हैं उन पे यहाँ पे हम हिप 13 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा फिक्स साइज है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से। ये हमारा परफेक्ट इतना ही कपड़ा है तो हमें ये नीचे तक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और कटिंग हमें यहीं से करनी है। अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो मैंने निशान लगाए हैं, आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पे इसको हम यहाँ से सीधी नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस निशान के बाद उसे हम फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं तो मैं एक बार यहाँ पे भी निशान लगा रही हूँ, आप भी निशान लगा लें जिससे कि जो हम फोल्ड करते हैं वो कम ज़्यादा ना हो जाए वरना चाक हमारे टेढ़े हो जाएंगे और फिर वो भद्दे लगेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट उसी लाइन में मैं निशान लगा दिए हैं और स्ट्रेट बिल्कुल लाइन खींच रही हूँ। आप एक निशान बिल्कुल नीचे भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने ये आप ही के लिए ही इतने निशान लगा के बताए हैं। ये लाइन हमारी फोल्ड होने वाली है। अब मैं गले की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। गला में यहाँ 2.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि जो हमारा मेज़रमेंट है वो फुल साइज़ का है तो इसलिए छोटा गला यहाँ पर सही नहीं रहेगा या फिर वो सूट नहीं करेगा क्योंकि आपका तीरा 7 इंच है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच गला ले रही हूँ।
अब मैं गले की लेंथ ले रही हूँ। लेंथ आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप जितना लेना चाहें, लेकिन मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और जितना मैंने ऊपर से लिया था, इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है और इसकी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे गोल बना रही हूँ तो मैंने ये गोल डिज़ाइन बना दिया है। हमारे सूट की ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है और अब मैं आपको इसकी कटिंग बता रही हूँ। हमने जो एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं, यहीं से हमको कटिंग करनी है। और यहाँ से हमारा कपड़ा नीचे की तरफ फिक्स है, तो यहाँ से हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। मैं यहाँ पे कट इसलिए लगा रही हूँ कि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। आप देख सकते हैं कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। और ये हमारे दो पर्दे हैं, इनमें से हमने फ्रंट पर्दे को अलग कर लिया है और अब हम फ्रंट पर्दे की कटिंग कर रहे हैं आर्म होल्स की। और गले की आप अपने आप कर लें, आपको जितनी लेंथ चाहिए जैसा आप बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इसे 7 इंच का फ्रंट गला ले रही हूँ और बैक गला मैंने 8 इंच लिया था। आप चाहें तो घटा बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे इस तरह से गुलाई कर रही हूँ, इस तरह से गुलाई करें या आप चौकोर रखें, आप जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। और ये मेरे अब मैं गले की कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सूट की कटिंग पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सूट की कटिंग होकर आई है। कटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों पूरी हो चुकी हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।